पर अब वो जिंदा है, तो मुझे कहने के ना वाइब नहीं आ रही थी कि मर गई हकीकत में, डेथ हो गई उसकी। लेकिन मेरे आंसू वेस्ट हो गए, अभी मैं उसको बोलूंगी मर जा वापस। अरे मुझे रोने दे। साइशा ने तो ब्लॉक ही कर दिया यार सीधा। साइशा ने बिल्कुल सही किया, कल मैं साइशा से बात कर रही हूँ यार, साइशा एक ऐसी स्टेट में थी कल, मैं बता नहीं सकती। साइशा वॉज, ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इन लोगों के ऑडिशंस बार बार बिग बॉस के लिए रिजेक्ट हुए हैं, शायद इनको बिग बॉस में आना होगा और फेम चाहिए होगी। पूनम पांडे पे ही बात करने वाली हूँ मैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे लिए वो मर चुकी है, जो उसने किया है उसके बाद वो मेरे लिए मर चुकी है। मैंने पता नहीं क्यों मैंने वो फोटो डिलीट की, तो वो मेरे लिए मर चुकी है। हेलो व्हाट्सएप व्हाट्सएप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, कैसी मेरी जान रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक, तू कैसा है? बढ़िया, मैं फिल्टर लगा लूं। फिल्टर लगा लो अपने। यार तो रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया, तू भी चश्मा पहन के आया, मुझे पता है तेरी आंखें भी सूज गई होंगी अभी भी सूजी है। तो मैं भाई गॉड मैं क्या बताऊं, हकीकत में बता रहा हूं मैं तुझे, मैं कल सुबह उठ, एक तो सुबह उठा तो मेरे फोन में इतने सारे नोटिफिकेशन, मैं परेशान हो गया। फिर मेरे को जैसे ही पूनम पांडे का पता चला तो एकदम तो मैं शॉक में था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार तेरे जिस्म से किसी की खुशबू आती है और वो खुशबू कहाँ मिलेगी, तो फिर मैं रोने लग गया सोच के। फिर मैं नहाया, इधर उधर छत्तीस चीजें करी, पूरे दिन अपना गाना सुना, और जब भी उसको सुन रहा था सुनते सुनते इतना रोया होना मैं क्या बताऊं। पर अब वो जिंदा है, तो मुझे कहने के ना वाइब नहीं आ रही थी कि मर गई हकीकत में, डेथ हो गई उसकी, समझती है? और तेरा कंफर्मेशन देने वाला था। मैं सुबह में उठी बराबर, मैंने सबसे पहले शिवम को कॉल लगाया कि पूनम मर गई, ये बोलता है पूनम भी गई अभी के अभी, मैं पता करता। लाइफ में ऐसे तो मत बोल कि मर गई मर गई। पता कर तो ये भी बिलीव, मतलब हम बिलीव नहीं कर रहे थे, हमको लगा उसका अकाउंट हैक हो गया इसको। मुझे भी ये लगा, मैंने कहा ये फॉलोअर्स बढ़ाने की नई स्कीम है। हां मैंने इसको कहा पता कर, अभी शिवम ने पूरे मीडिया वालों को कॉल लगाया, पूरे मीडिया वाले बोल सच रियल अभी आते बाबा। कल मैं सर छूटते मैंने सारे लॉकअप के बंदों को मैसेज किया, मैं कहा बाबा को, मैं कहा बाबा बाबा के दूसरे फोन से मैसेज आया, बुम्बाम पता लगा रहे हैं, वेट ऐसा कुछ अभी पता नहीं, मतलब कोई भी श्योर नहीं था ना। साइशा को किया, उसने बोला कि मुझे मैंने अपना बंदा भेजा हुआ है कोई चेक करने ओशीबारा वाले उसके घर पे, तो उसका भी उनका भी रिवर्ट आना था, पर स्कैम हो गया के साथ सिस्टम हैंग कर दिया। पूनम उसकी डेड बॉडी पुणे में है, आजमा प्लीज तू जाइयो, आजमा प्लीज तू जाइयो, मुझे जाना होगा। अब मैं खुद ही सोच रहा हूं और क्या, मैं कहा कोई अपना बंदा कोई तो पहुंचे। हां सबसे गाली खा रही है वो एकता कपूर मैम ने भी डाल दिया है कि भाई कोई भी इतना, क्या अभी कोई सेलिब्रिटी मरता है तो कोई बिलीव नहीं करेगा? नहीं पर एक बात बताऊं, पूनम पांडे का लोग बिलीव कर नहीं रहे थे क्योंकि उनका पहले भी अकाउंट एक बार हैक हो रखा है ना। हाँ। और राहुल वैद्य ने भी डाली थी स्टोरी कि भाई मुझे भी उसके भी, बहुत लोगों को नहीं लग रहा था। हाँ यार लेकिन ये गलत चीज है, सब रो रहे थे, आज हंसी आ रही है मुझे, मैं क्या बताऊं। मैं शायरी याद आ गई, कहते हैं हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढने की ना जाने हम कहां होंगे, हम कहां होंगे, हम दूसरे फोन से फेक आईडी बना के लोगों की स्टोरियां देख रहे होंगे। बाप रे बहुत गलत हुआ। बट एक चीज है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी है तो आपको वैसे ही आप कपड़े निकाल के नंगे हो जाते हो तो 10,000 लाखों लोग आपको देखने के लिए आते हैं। आप वैसे कुछ वीडियो बना के आप जिस चीज में फेमस हो आप वैसे करके फेम ले लो, वैसे करके आप एंड में बताते हैं कि मैं सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही आपका कपड़े निकाल दो सारे लोग तो आपको आ जाते हैं, आप तो चीप पब्लिसिटी लेने में एक्सपर्ट हो। बट ऐसे लोगों को फूल करना कि मैं मर गई हूँ और सारे मीडिया वाले भी, और सबसे पहले तो ये मीडिया वालों को तो मैं सबसे बोलूंगी आप सबसे बड़े सी हो, सी विदाउट कंफर्मेशन इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वालों ने डाल दिया आप लोगों ने कि शी इज डेड विदाउट एनी कंफर्मेशन, आपने डेड बॉडी नहीं देखी, आपने कुछ नहीं देखा, बट इसने पता है पूरे मीडिया वालों को घुमाया है। शिवम तू भी जानता है फोन, मुझे इतने फोन आ रहे थे सब सारे मीडिया यहाँ से, जितने भी लॉकअप वाले वो थे मीडिया वाले सबके, अमर भाई का, समीरा का, सबका। मैंने कहा यार तुम ही पता लगाओ, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा, फोन ही ऑफ आ रहा था। पर अब क्या करें, सारे मीडिया वाले, तुझे पता है पुणे के सारे हॉस्पिटलों का छप्पा छप्पा चार मारा उन लोगों ने, डेड बॉडी नहीं उठा उठा के चल उठा उठा के देख रहे हैं। पुणे 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 तो नहीं है, वो बास मार रहा है इधर से, कह रहे भाई चक्कर में नाक चढ़ गई लोगों की,
कानपुर के सारे हॉस्पिटल्स में मीडिया वालों ने चप्पा चप्पा छान मारा, वहां पे भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। बड़ी बड़ी उम्र वाली लेडीज मिल रही है पूनम नाम की, वो लोग बोल रहे ये पूनम है, लेकिन पूनम पांडे उसमें नहीं है। कि पूनम पांडे ने किसी का कुछ नहीं सोचा, कहती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई डोंट केयर हु द फक यू आर, उसने कहा जाओ सारे वार्ड में जाओ सारे। साइशा ने तो ब्लॉक ही कर दिया यार पूरा। सायशा ने बिल्कुल सही किया। कल मैं सायशा से बात कर रही हूँ यार, सायशा एक ऐसी स्टेट में थी कल, मैं बता नहीं सकती। सायशा वॉज नॉन स्टॉप रो रही है। मैंने सायशा को बोला सायशा प्लीज पता कर, सायशा ने बोला मैंने एक बंदा भेजा है, अब मैं पता करके बताती हूँ। एंड देन सायशा ने उसकी पीआर टीम को कॉल किया, उसकी पीआर टीम ने शायद बोल दिया सायशा को दैट शी इज नो मोर। सायशा ने मुझे मैसेज करा कि आजमा शी लेफ्ट अस। अभी मुझे हंसी आ रही है। अब कल तक तो मैं खुद अपने आप को सोच रहा हूँ ना यार ये क्या हो गया उधर से, पर अब ठीक है। लेकिन मेरे आंसू वेस्ट हो गए, अभी मैं उसको बोलूंगी मर जा वापस। अरे मुझे रोने क्या था फोन मैंने किया था, लेकिन हम खुश है कि वो जिंदा है, लेकिन कल तक तो वो मेरे लिए मरी हुई थी। एक फोन उठाया, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं कब रुको बेटा, अभी तो मैं सबकी गालियां पड़ेंगी। अरे वो भी मैं डर रही हूँ, अब तो हो गया इट्स ओके पता नहीं। चलो वो जिंदा है ना अपने को ये खुशी है, बाकी तो यार अब क्या ही जिंदा है खुश। लेकिन लेकिन शिवम हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जो वापस नहीं आ सकते। हम उस स्टेट में थे कल कि वो चली गई है दुनिया से। ये बहुत सीरियस चीज है कि ऐसे नहीं करना चाहिए इमोशंस के साथ। जो उसके फैंस है, चल हम लोग तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स लोग से बड़े होते हैं फैंस, जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। वो लोग भी किस स्टेट में होंगे कल की यार सच्ची में चली गई, सबका सारे लड़के परेशान हो गए थे, अब हम किसकी वीडियो देखेंगे। बेचारे उनका सोच उनकी क्या बीतरी होगी, और हम तो बस यार शिट। मेरा तो अभी भी सर दर्द कर रहा है, मैं इतना रोई हूँ कल। खाई कल सेरेडॉन खाई थी मैंने, कहा यार चल एक तो खाई लो, बहुत आंखें दर्द हो रही है। लेकिन इसके वजह से आप कोई भी सेलिब्रिटी पे बिलीव नहीं करेगा। आपने सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए आपने मरने का नाटक किया। अगर तुझे एक फ्रैक्चर ब्रांड का आएगा कि आप तो अपनी टांगे तोड़वाएगा। मेरी एक टांग नकली है, मैं उदय भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं हॉकी का बहुत बढ़िया प्लेयर था, बड़े अच्छे इंसान है, मेरी एक टांग तोड़ी मुझे हॉस्पिटल लेके गए वैसे करके ऐड करेंगे। तुझे ऐसे ऐड करना पड़ेगा, दिस इज वेरी बैड। तो अब यही काम रह गया, शरीर तोड़वाओ अपना, ये अल्टीमेट। वैसे अगर ये सब चीजें नहीं यार छोड़ क्या बोलता है, अब उसकी उसका थॉट प्रोसेस था कुछ तो था। अब कहना पीआर टीम ने भी कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा। अब कितने लोग हैं तेरे को पता तो है, ये पूनम के पीछे कम से कम तीन चार लोग तो वैसे ही रहते हैं। टीम उसकी कितनी है, तीन चार बंदे हैं टीम में। अब किसका दिमाग कहाँ पे क्या चला है। ओह माय गॉड ओके ठीक है, बट जो भी हुआ हम लोग सबका मोए मोए हो गया। मोए मोए वेलकम लॉर्ड विनीत। लॉर्ड विनीत सबसे पहला बंदा था जिसने मुझे कॉल करके बोला आजमा इट्स फेक। तो ये उसके फॉलोअर बड़े नहीं बड़े अब, क्या नाम है पूनम पांडे के। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इन लोगों के ऑडिशंस बार बार बिग बॉस के लिए रिजेक्ट हुए, शायद इनको बिग बॉस में आना होगा और फेम चाहिए होगी और लोग बिग बॉस वालों को सब पता है ठीक है ना, अपना शो जिन लोगों ने बनाया ना वही मेकर है उस शो के भी। हाँ राइट ऑफ कोर्स, किसी को वो सबको जानते हैं, पॉइंट हो चुके ये सब। कौन सा कंटेस्टेंट कहाँ फिट होगा वो अपने आप कर लेंगे राइट। वो तुझे भी जानते हैं, इंडस्ट्री में कोई उनसे बचा नहीं हुआ, कोई बचा नहीं है उस समय का, राइट टाइम का दे रहा है।